parts of speech words are divided into different kinds or classes called parts of speech according to their use there are eight parts of speech in english शब्दों को उनके प्रयोग के आधार पर विभिन्न वर्गों में रखा जाता है जिसे पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं अंग्रेजी भाषा में आठ पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं वे ये हैं noun प्रोनाउन, एडजेक्टिव वर्ब, एडवर्ब, प्रिपोजिशन कंजंक्शन और इंटरजेक्शन नाउन नाउन इज ए वर्ड यूज एज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग किसी व्यक्ति स्थान या चीज के नाम को नाउन कहते हैं जैसे अशोका वाज अ ग्रेट किंग यहाँ अशोका और किंग दोनों ही नाउन है दूसरा उदाहरण है दिल्ली इज ऑन द बैंक ऑफ यमुना यहाँ दिल्ली और यमुना दोनों ही नाउन है तीसरा उदाहरण है द सन राइज इन द ईस्ट यहाँ सन और ईस्ट दोनों नाउन है चौथा उदाहरण है हिज करेज वोन हिम ऑनर यहाँ करेज और ऑनर दोनों ही नाउन है दूसरा है प्रोनाउन अ प्रोनाउन इज ए वर्ड यूज इन स्टीड ऑफ ए नाउन नाउन के जगह पर प्रयोग होने वाले शब्द को प्रोनाउन कहते हैं जैसे मोहन इज ए बॉय ही इज वेरी इंटेलिजेंट यहाँ ही का प्रयोग मोहन के लिए किया गया है अतः ही प्रोनाउन है दूसरा उदाहरण लेते हैं द बुक्स आर वेयर यू लेफ्ट देम यहाँ देम का प्रयोग बुक्स के लिए किया गया है इसलिए देम प्रोनाउन है तीसरा राजेश इज एब्सेंट बिकॉज ही इज इल यहाँ ही का प्रयोग राजेश के लिए किया गया है इसलिए ही प्रोनाउन है चौथा उदाहरण है चिल्ड्रेन प्लेड क्रिकेट दे इंजॉयड इट यहाँ दे और इट दोनों ही प्रोनाउन हैं क्योंकि दे का प्रयोग चिल्ड्रेन के लिए और इट का प्रयोग क्रिकेट के लिए हुआ है एडजेक्टिव एन एडजेक्टिव इज ए वर्ड यूज टू एड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ ए नाउन नाउन के संबंध में जो शब्द कुछ बताता है उसकी विशेषता बताता है उसे एडजेक्टिव कहते हैं जैसे साक्षी इज अ ब्यूटिफुल गर्ल यहाँ ब्यूटिफुल एडजेक्टिव है क्योंकि यह साक्षी की विशेषता बताता है ही इज अ ब्रेव बॉय यहाँ ब्रेव एडजेक्टिव है क्योंकि यह बॉय की विशेषता बता रहा है तीसरा है देयर आर ट्वेंटी बॉयज इन दिस क्लास यहाँ ट्वेंटी और दिस दोनों ही एडजेक्टिव है क्योंकि दोनों ही विशेषता बता रहे हैं चौथा उदाहरण है दिल्ली इज बिग सिटी यहाँ बिग एडजेक्टिव है क्योंकि यह सिटी की विशेषता बता रहा है चौथा पार्ट्स ऑफ स्पीच है वर्ब। अ वर्ब इज ए वर्ड यूज टू एक्सप्रेस एन एक्शन और स्टेट वर्ब कोई एक्शन या अवस्था के बारे में बताता है जैसे चिल्ड्रन लर्न देयर लेसन चिल्ड्रेन क्या कर रहे हैं अपना लेसन लर्न uh, कर रहे हैं पढ़ रहे हैं इसलिए लर्न वर्व है दूसरा उदाहरण है आई राइट अ लेटर यह राइट वर्व है क्योंकि यह एक्शन बता रहा है तीसरा उदाहरण है कोलकाता इज़ ए बिग सिटी यहाँ इज वर्व है क्योंकि वह एक अवस्था के बारे में बता रहा है चौथा उदाहरण है आयरन एंड कॉपर आर यूजफुल मेटल्स यहाँ आर वर्व है क्योंकि वह एक स्टेट यानी अवस्था के बारे में बता रहा है एडवर्व एन एडवर्व इज ए वर्ड यूज टू एड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ ए वर्व एन एडजेक्टिव और एनोदर एडवर्व किसी वर्व एडजेक्टिव या किसी दूसरे एडवर्व की विशेषता बताने वाले शब्द को एडवर्व करते हैं जैसे इट इज़ वेरी हॉट टूडे यहाँ वेरी एडवर्व है क्योंकि यह हॉट की विशेषता बता रही है कितना गर्मी है वेरी दूसरा उदाहरण है द सन शाइन्स ब्राइटली यह ब्राइटली एडवर्व है तीसरा उदाहरण है ही वर्क द सम क्विकली यहाँ क्विकली एडवर्व है चौथा उदाहरण है शी इज वेरी ब्यूटिफुल गर्ल यहाँ वेरी एडवर्ब है क्योंकि यह ब्यूटीफुल को और ज्यादा उसकी विशेषता बता रहा है कि कितना ब्यूटीफुल है छठा हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच है प्रीपोजिशन अ प्रीपोजिशन इज ए वर्ड यूज विथ नाउन और ए प्रोनाउन टू शो इट्स रिलेशन टू सम अदर वर्ड्स इन द सेंटेंस नाउन और प्रोनाउन का संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ जो शब्द बताता है संबंध बताता है उसे प्रीपोजिशन कहते हैं जैसे देयर इज ए काउ इन द गार्डन यहाँ इन प्रीपोजिशन है क्योंकि ये काउ का संबंध गार्डन से क्या है वो बता रहा है दूसरा उदाहरण है द गर्ल इज फॉन्ड ऑफ म्यूजिक यहाँ ऑफ प्रीपोजिशन है तीसरा उदाहरण है हमारा द डाइवर जंप इंटू द रिवर यहां इंटू प्रीपोजिशन है चौथा उदाहरण है द डॉग इज लाइंग ऑन द ग्रास यहां ऑन प्रीपोजिशन है कंजंक्शन अ कंजंक्शन इज ए वर्ड यूज टू ज्वाइन वर्ड्स और सेंटेंसेस शब्दों या वाक्यों को जोड़ने वाले शब्द को कंजंक्शन कहते हैं जैसे रीता एंड शिल्पी आर फ्रेंड्स यहाँ एंड कंजंक्शन है क्योंकि यह रीता और शिल्पी दो शब्दों को जोड़ रहा है दूसरा उदाहरण है टू एंड टू मेक फोर यहाँ एंड कंजंक्शन है क्योंकि वह ये दो शब्दों टू और टू को जोड़ रहा है इसी तरह से शी लव्स म्यूज़िक बट हेट्स डांसिंग यहाँ दो सेंटेंस हैं इन्हें जोड़ रहा है but, बट अतः बट कंजंक्शन है चौथा उदाहरण है वर्क हार्ड और यू विल फेल यहाँ भी दो सेंटेंस हैं वर्क हार्ड और यू विल फेल इन दोनों को जोड़ रहा है और इसलिए ये और कंजंक्शन है हमारा आठवां और अंतिम पार्ट्स ऑफ स्पीच है इंटरजेक्शन एन इंटरजेक्शन इज ए वर्ड विच सम सडन फीलिंग अचानक या सडन फीलिंग को जो प्रदर्शित करता है व्यक्त करता है वैसे शब्द को इंटरजेक्शन कहते हैं जैसे अलास द पुअर मैन इज डेड यहाँ अलास इंटरजेक्शन है दूसरा उदाहरण लेते हैं हुर्रे वी हैव वोन द मैच यहाँ हुर्रे इंटरजेक्शन है नोट अ वर्ड मस्ट बी क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू इट्स फंक्शन इन अ पर्टिकुलर सेंटेंस इन विच इट इज यूज एक महत्वपूर्ण बात हमें याद रखनी है कि किसी विशेष वाक्य में कोई शब्द जो कार्य करता है उसी के अनुसार हम उस वर, शब्द का वर्गीकरण उस पार्ट्स ऑफ स्पीच में करते हैं जैसे एक ही शब्द हम ले रहे हैं फास्ट इसका कई वाक्यों में अलग अलग तरह से प्रयोग हुआ है यानी अलग अलग तरह से यह कार्य कर रहा है पहला है ही किप्स अ फास्ट ऑन ट्यूजडे यहाँ फास्ट नाउन का कार्य कर रहा है दूसरा सेंटेंस है ही फास्टेड फॉर ए वीक यहां फास्ट वर्ब की तरह कार्य कर रहा है तीसरा है दे आर फास्ट फ्रेंड यहाँ फास्ट एक एडजेक्टिव की तरह प्रयोग हो रहा है और चौथा वाक्य है रन फास्ट और यू विल मिस द ट्रेन यहां फास्ट एडवर्ब की तरह कार्य कर रहा है इस तरह हम देख रहे हैं कि एक ही शब्द अलग अलग वाक्यों में अलग अलग तरह से कार्य कर रहा है इसलिए उसका वर्गीकरण हम उसी तरह से अलग अलग कर रहे हैं नेम द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ ईच इटैलीसाइज्ड वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस निम्न वाक्यों में जो इटालीसाइज्ड शब्द हैं उनके पार्ट्स ऑफ स्पीच बताएं। वीडियो को आप पॉज करें और उसे फिर बनाएं।